आज मैं आपके लिए प्यार, धोखा, नफरत और बदले से भरे एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की और एक लड़के को किस करते हुए देखते हैं। लड़की का नाम शिनबोम है और लड़के का नाम जंगमा है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी बॉम देखती है कि एक लड़का दरवाजे से उन्हें देख रहा है। इस लड़के का नाम शिहुन है और ये बॉम का बॉयफ्रेंड है। उसे वहाँ देखकर बॉम टेंशन में आ जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो शिहुन वहाँ नहीं होता है। वो कुछ सोचते सोचते जंग के होंठों को काट देती है। वो बाहर की तरफ देखते हुए उसे सॉरी कहती है और फिर कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आज मैं आगे ये कंटिन्यू रख पाऊंगी, और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। बेचारा जंग उसे देखता रह जाता है। बाहर आकर वो शिहुन को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। शिहुन कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ लंच पर जा रहा हूँ। बॉम उससे पूछती है कि क्या तुम अभी मेरे क्लब रूम के बाहर थे। वो हाँ में जवाब देता है। बॉम उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो शिहुन से बाद में बात करने के लिए कहती है। इसके बाद बॉम अपनी फ्रेंड के साथ लंच करती है। उसको परेशान देखकर उसकी फ्रेंड इसकी वजह पूछती है। बॉम उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, लेकिन पहले वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। वो उसे बताती है कि हमारा जो सीनियर है, वही जिसका नाम जंग है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम देखते हैं कि जंग बॉम से कहता है कि हमें अपना असाइनमेंट पूरा करना है, चलो अभी मेरे साथ चलो। उनका असाइनमेंट एक्टिंग का रहता है। बॉम उसके साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ती है। उसमें किसिंग सीन देखकर बॉम अपनी डायरेक्टर बोरा से कहती है कि तुमने ये सीन मुझे बिना बताए क्यों डाल दिया। बोरा कहती है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें मैसेज करके बता दिया था, लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं। तभी जंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम ये किसिंग सीन क्यों नहीं करना चाहती हो, कहीं तुम इसलिए तो मना नहीं कर रही हो क्योंकि आज तुमने प्रश्न नहीं किया है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन बॉम उससे चिढ़ जाती है। फिर जंग उसे टॉफी देता है। इसके बाद वो लोग किसिंग सीन शूट करते हैं, लेकिन बॉम किसिंग सीन नहीं कर रही होती है। जंग पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है। ये सुनकर बॉम चिढ़ते हुए उसे किस करने लगती है। तभी बोरा उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि तुम दोनों की किस नेचुरल नहीं लग रही है। फिर वो सबको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देती है। बॉम और जंग अपनी किस को नेचुरल दिखाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ठीक इसी टाइम शिहुन उन्हें देख लेता है। ये सब बातें बॉम अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये शिहुन कौन है, तो बॉम उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी सहेली कहती है कि तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। बॉम कहती है कि हम लोग सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं। फिर वो शिहुन को मैसेज करती है। वो उसे बहुत सारे मैसेज करती है, लेकिन शिहुन उसके मैसेज के रिप्लाई नहीं करता। तभी बॉम की दूसरी फ्रेंड भी वहाँ आती है। वो भी बॉम को टेंशन में देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। बॉम उसे भी बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे किसी और को किस करते हुए देख लिया। ये सुनकर वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दूसरी फ्रेंड उसे सारी बात बताती है। तभी बॉम को शिहुन का मैसेज आता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो शिहुन के रूम में पहुँचती है। वो अंदर जाकर देखती है तो शिहुन वहाँ नहीं होता है। वो उसे कॉल लगाती है तो शिहुन का फोन वहीं होता है। उसके फोन में किसी का मैसेज आया होता है। बॉम मैसेज देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर शिहुन आ जाता है। बॉम उसके पास जाती है और उसे बताती है कि आज स्क्रिप्ट अचानक से चेंज हो गई थी और इसी वजह से वो किसिंग वाला सीन आ गया था। वो कहता है कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। बॉम फिर से उसके पास जाकर पूछती है क्या तुम सच में गुस्सा नहीं हो। वो कहता है आखिर तुम कर भी क्या सकती थी। फिर वो बॉम को हक करके कहता है मुझे गुस्सा तब आता है जब तुम सैड होती हो। ये सुनकर बॉम दिली दिल में बहुत खुश होती है। आगे वो कहता है जब तक तुम खुश हो मुझे हर्ट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद दोनों बेड पर रोमांटिक बातें करते हैं। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है। कुछ दिनों बाद शिहुन के कुछ फ्रेंड्स उसके घर में आते हैं, जिनमें जंग, बोरा, सोंगजंग और बॉम होते हैं। बोरा तो वहाँ आते ही वॉशरूम के लिए चली जाती है।
बॉम्बी ऐसे दिखावा करती है जैसे कि वो शिहुन के घर में पहली बार आ रही है। फिर सब लंच करते हुए खूब मस्ती करते हैं। तभी सोंगजंग उन्हें चार लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है जिनका आपस में चक्कर चल रहा होता है, लेकिन उनके रिलेशनशिप के बारे में बताते बताते वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। बॉम सोचती है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होने से अच्छा तो अपना रिलेशनशिप छुपा कर रखना है। फिर बॉम प्लेट्स लेने के लिए जाते हुए शिहुन को कुछ इशारा करके जाती है। किचन में जाकर वो शिहुन को बुलाते हुए कहती है कि मुझे प्लेट्स नहीं मिल रही है। शिहुन भी किचन में चला जाता है। वो किचन के दरवाजे में खड़ा होकर अंदर की तरफ बोरा को किस कर रहा होता है। वो और बोरा ऐसे छुप छुप कर लव करना एंजॉय कर रहे होते हैं। अब सब मिलकर गेम खेलते हैं। सोंगजंग उन चारों को दो टीमों में बांटता है और कहता है कि जिस टीम के मेंबर्स के जवाब एक जैसे नहीं होंगे उन्हें लव शॉट पीने पड़ेंगे। फिर वो सवाल पूछना शुरू करता है। पहले तो दोनों टीमें सही जवाब देती हैं। फिर शिहुन और बोरा की टीम गलत जवाब देती है तो वो दोनों बड़ी स्टाइल से लव शॉट पीते हैं। उन दोनों को इतने करीब देखकर बॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर बॉम की टीम नेक्स्ट सवाल का गलत जवाब देती है। सब लोग उन दोनों से लव शॉट पीने के लिए कहते हैं। बॉम देखती है कि शिहुन को उसके लव शॉट पीने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो जंग से कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। ये सुनकर जंग खुद दोनों शॉट्स पी जाता है। बॉम देखती है कि बोरा और शिहुन एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे होते हैं। उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। फिर बॉम अपने फोन से शिहुन के ब्लूटूथ स्पीकर में गाने लगाती है। फिर वो लोग थोड़ी देर और मस्ती करते हैं। बाद में जब शिहुन बॉम को घर छोड़ने जाता है तो बॉम रस्ते में उससे शिकायत करती है। वो कहती है कि आज तुम बोरा से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे और जंग की जगह तुमने मेरा लव शॉट क्यों नहीं पिया। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं तुमसे ज्यादा क्लोजनेस दिखाता तो सबको हम पर शक हो जाता। वो गुस्सा होकर आगे जाने लगती है तो शिहुन उसे पकड़कर हग करता है और फिर वो उसे मना लेता है। तभी हम देखते हैं कि शिहुन को बोरा की कॉल आ रही होती है। अब कुछ दिन बाद बॉम अपने असाइनमेंट के काम के लिए जाती है। वहाँ जंग और सोंगजंग दोनों पहले से होते हैं। उन दोनों को सीरियस देखकर वो पूछती है कि तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो। सोंगजंग कहता है कि ये स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है, इससे तो शायद तुम दोनों सच में कपल बन जाओगे। ये सुनकर बॉम चौंकते हुए वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती है और स्क्रिप्ट पढ़कर उसे झटका लगता है क्योंकि वो पूरी स्क्रिप्ट तो उसकी और शिहुन की लव स्टोरी होती है। वो सोचती है कि ये तो पूरी की पूरी मेरी लव स्टोरी है। वो पूछती है कि क्या बोरा को इस बारे में पता है। सोंगजंग कहता है कि बोरा और शिहुन ने साथ में बैठकर ये स्टोरी लिखी है। वो पूछती है कि शिहुन ने ये स्टोरी क्यों लिखी, वो तो डायरेक्टर भी नहीं है। सोंगजंग कहता है कि उसका काम हमें सपोर्ट करने का है। मैंने तो उससे कहते हुए सुना है कि उसने और बोरा ने पूरी रात स्टोरी साथ में बैठकर लिखी है। बॉम पूछती है कि क्या वो पूरी रात साथ में थे। सोंगजंग कहता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें पूरी रात साथ में रहने की क्या जरूरत थी। पक्का उन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लास्ट टाइम भी जब हम शिहुन के घर गए थे तभी मुझे उन पर शक हुआ था। बॉम पूछती है कि तुम्हें उन पर शक क्यों हुआ। वो कहता है कि याद है ना कि बोरा ने उसके यहाँ ब्लूटूथ स्पीकर पर गाना लगाया था। अगर वो पहली बार शिहुन के घर में गई थी तो उसका ब्लूटूथ स्पीकर से डायरेक्ट कनेक्ट कैसे हो गया, और तो और वो वहाँ आते ही सीधा वॉशरूम चली गई थी। कोई जब भी किसी के घर पहली बार जाता है तो वो पूछता तो है कि वॉशरूम कहाँ है। जंग पूछता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो। वो कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ। बाद में बाहर जाकर बॉम शिहुन को कॉल लगाकर मिलने के लिए बुलाती है। उससे मिलने के बाद शिहुन देखता है कि बॉम बहुत गुस्से में है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। बॉम उसे स्क्रिप्ट देते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने बोरा के साथ पूरी रात उठकर ये लिखी है। वो कहता है कि मैंने तो उसे बस थोड़े सजेशन दिए थे, उसे स्क्रिप्ट को लेकर टेंशन हो रही थी। बॉम कहती है कि ये हमारा सीक्रेट था और तुमने मुझसे बिना पूछे ही उसे ये सब बता दिया। खुद तो तुमने कहा था कि हम ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। आगे वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम्हारी लाइफ में और लड़कियां तो नहीं है। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो।
फिर वो बोरा को कॉल लगाकर फोन स्पीकर पर डालता है। वो बोरा से पूछता है कि क्या कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था, क्या हमारे बीच में कुछ हुआ था। बोरा कहती है कि तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। फिर वो उसे बाद में बात करने को कहकर कॉल काट देता है। वो बॉम से कहता है कि क्या तुमने स्क्रिप्ट को ढंग से पढ़ा भी। मैंने उसे हमारे बीच का बस थोड़ा सा ही बताया था, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। फिर बाद में बॉम शिवम को मैसेज में सॉरी कहती है। वो स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसमें सारी अच्छी बातें लिखी होती हैं। तभी उसे शिवम का रिप्लाई आता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस के बाद हम साथ में कुछ खाने चलेंगे। आज उनके रिलेशनशिप को 3 महीने पूरे हो चुके होते हैं। बॉम उसे कुछ गिफ्ट देने की सोचती है। तभी जंग वहाँ आता है। वो बॉम से कहता है कि मैंने बोरा से स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए कहा है। ये सुनकर बॉम खुश हो जाती है। वो उसे थैंक्स कहती है। वो पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। बॉम कहती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहूँ तो मुझे क्या देना चाहिए। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। बॉम कहती है कि मैं तो अपने रोल के लिए ये सब पूछ रही हूँ। वो पूछता है कि वैसे अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम्हारे हिसाब से उसे कैसे गिफ्ट पसंद आते। तो वो कहती है कि मेरे हिसाब से तो उसे बच्चों के जैसे गिफ्ट पसंद आते। तो जंग कहता है कि फिर तुम्हें उसे बच्चों की तरह सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए। इसके बाद बॉम एक बड़े से टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहनकर रास्ते में शिवम का वेट करती है। वो रास्ते में जाते कपल्स को बलून देती है। थोड़ी देर बाद वो शिवम को आते देखती है। उसे आता देखकर वो शिवम के लिए गिफ्ट रेडी करती है। तभी वो देखती है कि शिवम अपने साथ बोरा को लाया होता है। वो दोनों साथ में कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। बॉम को शिवम के साथ बिताए सारे स्वीट मोमेंट्स याद आने लगते हैं। तभी टेडी बियर को देखकर बोरा शिवम के साथ उसके पास आती है। वो टेडी बियर से बलून लेती है और फिर शिवम से टेडी बियर के साथ सेल्फी लेने के लिए कहती है। बॉम देखती है कि शिवम को बोरा के फोन का पैटर्न लॉक पता होता है। वो सब साथ में सेल्फी लेते हैं। बॉम सोचती है कि ये हमारी साथ में पहली सेल्फी थी, वो भी हमारे रिलेशनशिप के 3 महीने पूरे होने की। ये सारी बातें बॉम जंग को बताती है। वो कहता है कि शिवम सच में बहुत घटिया है। वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसे ऐसा सैड देखकर जंग उसे कहता है कि अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बॉम कुछ सोचते हुए जंग की तरफ देखती है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।